जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भरत जी का आदर्श चरित्र आवाज की दुनिया के दोस्तों, रामचरित मानस में भरत जी के विषय में प्रसंग है मित्रों। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। विवाह के बाद भरत जी शीघ्र ही अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए थे, परंतु नाना के घर रहते हुए एक दिन उन्होंने अपनी मित्र गोष्ठी में अपने दुख स्वप्न की बात कहकर पिता के लिए दुख प्रकट किया। तभी अयोध्या से उन्हें बुलाने के लिए दूत आया। वे अयोध्या के लिए चल पड़े। वहाँ पहुँचकर माता के कई से पिता के स्वर्गवास का समाचार सुन उन्हें जो शोक हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता। वे शोक मग्न होकर काफ़ी विलाप करने लगे। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर तो वे पिताजी का मरना भूल गए। ये सब समाचार सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भी क्रोध से भर गए। वहाँ वामदेव और वशिष्ठ जी आए। तत्परंतास वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि कर्म की तैयारी होती है। भरत जी फिर विलाप करते हैं। महामुनि वशिष्ठ जी भरत जी को ढांढस बुलाते हैं और विधि विधान से राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कराते हैं। भरत 10 दिनों तक भूमि पर शयन कर बड़े दुख से समय बिताते हैं। श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर राज्यसभा में श्री वशिष्ठ जी तथा सभी सभासद भरत जी को समझा कर आग्रह पूर्वक राज्य स्वीकार करने के लिए कहते हैं। तब भरत जी ने कहा, मैं और राज्य दोनों श्री राम के हैं, आप लोग मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। मुनि श्री वशिष्ठ जी भरत को समझाते हुए दुखी मन से कहते हैं, सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, गरीब होर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू, मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हे भरत सुनो भावी, होनी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। मित्रों भरत जी को मंत्रीगण भी समझाते हैं, कीजे गुर आये से अवश्य कहे उस सचिव कर जोरी, रघुपति आये उचित जस तस तब कर भोरी। मंत्री हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयु से है, सो आदर कर हित मानी, तजय विषाद काम गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहू, तुम्हें भात तात कद राहू, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कहे अवलंबा। कौशल्या जी भी धीरे धर कर कह रही है, हे पुत्र गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भर्त हित जनु चंदनु, सुन भौर मात मृदुवाणी, शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। माता कौशल्या की ऐसी वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू भाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। सज्जनों तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा जो श्री भरत जी में देखी उसे सब लोग सराहने लगे। भरत जी गदगद हुए और बोले, मोय उपदेश दीन गुरु निका, प्रजा सचिव सम्मत सभी का, मात उचित रहा उस दीना, अवशीष दर चाहो की ना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सब भी की यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। भरत जी बोले, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। पितृ स्वरूप से राम बन करण कहो मोय राज,
एते जानो मोर हित के आपन बड़काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जीवन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना।